नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके दिल्ली के सुधीर सक्सेना ने हरियाणा के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में चल रही स्टेट किक बॉक्सिंग में रोहतक के संजीत को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस सफलता पर वाको इंडिया किक बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट संतोष अग्रवाल ने सुधीर को बधाई दी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 6 मई से 8 मई 2022 तक किया गया। सुधीर अब चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। सुधीर ने इटली में वर्ल्ड किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। अभी तक आर्थिक तंगी और प्रायोजकों के अभाव के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के साथ लोहा लेते हुए भारत के एक स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक जीतना अपने आप में एक गौरवपूर्ण बात है। तो वहीं आश्चर्यचकित कर देने वाली भी। आश्चर्यजनक इसलिए कि सरकार और प्रायोजकों के बिना खेल के प्रति इतना जुनून और देश का मान बढ़ाने का इतना समर्पण उदाहरण के तौर पर ही देखने सुनने में आता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल किक बॉक्सिंग, जिसमें भारत की पहुंच आज तक दुर्लभ देखी गई है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप के सदस्य सुधीर सक्सेना भारत के लिए विश्व स्तर पर एक गौरवपूर्ण भूमिका के किरदार हैं। 12 राष्ट्रीय पदकों और 40 से अधिक राज्य स्तर के विभिन्न पदकों के विजेता रहे सुधीर आज भी खेल के प्रति लगनशील और देश के लिए समर्पित उदाहरण के रूप में संघर्षरत हैं। विभिन्न देशों में भारत का परचम लहराते हुए सुधीर के बारे में भारत के किक बॉक्सिंग के कोच कुलदीप चौधरी का कहना है कि सुधीर के हाथों में बचपन से ही भरपूर और गजब की ताकत बरकरार है। उनके हाथों के पंजों का कोई जवाब नहीं।